किसी का सर नहीं था, किसी का पांव नहीं था, तो एक दूसरे के ऊपर पड़ा था सारे लोग, क्योंकि वो वहां पे कट्टा था ना, जब तक ये धमाका अगर हो गया तो बस ये लोग इधर ही जमा हो गया। देखा कि जब तक ये रवानगी का तैयारी था ना, अभी अब तक रवानगी नहीं हुआ था, बस ये लोग सारा जमा हो गया था, बस ये इंतज़ार था कि अभी रवानगी होगा, हम भी थोड़ा फासले में था कि इसी में तो धमाका हो गया, 10-12 बंदा हमारा शहीद हो गया। ये हमारा अपना रिश्तेदार था, बड़ा भाई भी हमारा जख्मी सीरियस हालत में। मैं तकरीबन 8:30 पर उधर ही पहुँचे, यानी स्टेज पर सब लोग तैयार था, मैं उधर ही पहुंच तो तकरीबन 2 मिनट भी नहीं हुआ हमारा को, बस फिर धमाके हुए। तकरीबन उसी टाइम तो बहुत लोग गिर गया, हमारा पाव तकरीबन रस्त वाला पाव सब टूट गया। मस्तूंग से तकरीबन 200 के करीब हमने बंदों को लाया है, वो खुदकुश था, हमें भी नहीं पता था, हम लोग बाहर थे, सारे सिस्टम क्लियर करा रहे थे, ये सिक्योरिटी के थे, हम चेकिंग कर रहे थे, जैसे हमारे उलमाए कराम लाइन पे खड़े हो रहे थे, वो वहाँ पे आए कि ये तो फिर अचानक फिर बम ब्लास्ट हो गया, बड़ा भाई भी जख्मी हो गया, छोटा भाई भी जख्मी हुआ है, और हमारे दोस्त है, यानी सब हमारे इलाके के बंदे, किसी का भाई है, किसी का बेटा है, किसी का बाप है, ये सारे जख्मी है। और कंबल लगे कितने में मना साहब, कितने बोतल लगे कितने में मना।